मेरा नाम आदित्य विक्रम बिरला है और मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉस्मिक क्राफ्ट मोटर्स। अब आज के लिए ये प्रोडक्ट जो ये हम लोग एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किए हैं, दिस इज बेसिकली हम पहला बैशाख। रीजन है कि एक बड़ा सेंटिमेंट है, बंगाल में लॉन्च कर रहे हैं, महाराष्ट्र का कंपनी खरीद के लाए हैं, तो दैट हैज टू बी सेलिब्रेटेड बाय एवरीबॉडी इन बंगाल। पॉइंट 1, पॉइंट 2, आज हम लॉन्च किए इसको शरद बोस रोड के ऊपर। शरद बोस रोड के ऊपर किए हैं ताकि क्या है, शरद बोस रोड क्या बोल रहा हूँ, लैंड डाउन नहीं है, शरद बोस रोड तो इज अ स्ट्रेच ऑफ इट, इज ओनली बिकॉज सर की क्या है कि इधर में जो ट्रैफिक मूवमेंट होती है उसमें बहुत बड़ा अट्रैक्शन मिलता है आपको आपके प्रोडक्ट में। दूसरा बात क्या है कि आज के डेट में मोर देन सेल्स वी वॉन्ट, पीपल टू एक्चुअली फोकस ऑन द ब्रांड, ऑन द प्रोडक्ट। अच्छा लगे तो बताइए, हम और भी ऐसे ब्रांड्स और ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहेंगे। आज के डेट में हमारे पास है तो कई सारे मॉडल, लेकिन हम लॉन्च किए कैलकुलेटर खाली 4 मॉडल। वो 4 मॉडल में आज के डेट में हमारे पास मैग्नेटिक है जो कि ओल्ड स्कूल है, लुक्स लाइक चेतक। आपके पास वॉरियर है जो एरोडायनामिक लुक है। आपके पास इंडस है जिसमें हैवी बैटरी को आप यूज कर सकते हो। और एक तो आपके पास जंस्कार इसमें मैं बैठा हूँ, इट्स अ फास्ट मूविंग, द ओनली फास्ट मूविंग बाइक दैट वी हैव राइट नाउ ऑन द स्टेबल। देखिए प्राइस रेंज जो है हमारा 85 to 90,000 रुपीज से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 1,25,000 to 1,30,000 लैंडेड, मतलब ये एक्स रोड है, ऑन रोड प्राइस है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में इसमें इंश्योरेंस, प्राइसिंग फॉर योर लोन दैट यू नीड टू बाय दिस, अलॉन्ग विद दैट आपकी कोई भी वारंटी सर्विसेज, ये सारी इंक्लूडेड है। प्लस क्या है, सबसे बड़ी बात है इसकी रेंज जो है वो 90 किलोमीटर से लेके 160 तक जाती है। हमारी इंडस प्रोडक्ट वो अप टू 1 लाख से 160 किलोमीटर फॉर 1 चार्ज, क्योंकि इसमें डुअल बैटरी है। देखिए मैं 3 चीज बोलूंगा एज अ बायर, अगर मैं आता इसमें तो 3 चीज होती है कि एक कि आपका ये कंपनी जो है मैं आज इसको खड़ा नहीं किया, ये कंपनी 7 साल से चल रही है और मैंने इसको टेक ओवर किया, ठीक है। तो इसकी एक ऑलरेडी लीनियज है, 4.5 से 5 हजार बाइक ऑलरेडी कैलकटा में, कैलकटा बोल रहा हूँ इंडिया में, इंडिया वाइड में चल रही है, मेजोरिटी महाराष्ट्र। पॉइंट टू, इसमें हम आज के डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टू लैंड एंड लॉन्च मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कैलकटा विद अ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 50 करोड़। तो 50 करोड़ रुपए डालने के बाद ऑब्वियसली मैं भी सोचूंगा कि यार मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट ना बनाऊं कि मैं आज दुकान खोला कल बंद करना पड़े। और तीसरी बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट है हम अपने खुद के एम्प्लॉयज को भी दिए हैं और आज की डेट में इस प्रोडक्ट को 7 साल लोगों ने चलाया है, सराहा है। उसमें कुछ जो दिक्कतें थी जिसके कारण उनको बेचना पड़ा तो हम खरीद लिए। फाउंडर्स भी हमारे साथ ही हैं एट वेरी 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 स्मॉल इक्विटी, बट यस इट वॉज देयर बेबी इनिशियली, नाउ आई हैव टेकन इट ऑन। तो ये एक पॉइंट है। प्लस हम इस सर में एकदम सेंटर ऑफ कैलकटा में लॉन्च किया, ना कि हम कोई कोना एक्सप्रेस में जाके लॉन्च किए, सो दैट एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, अवेयर ऑफ द ब्रांड एंड दिस ब्रांड इज हियर टू स्टे। जो 10,000 पिन कोड्स आपको कवर करेगा इंडिया पैन वाइड। हमारी बाइक्स खाली यहाँ नहीं, तेलंगाना चेन्नई में भी बिक रही है, तो वहां पे भी हम बेच रहे हैं, वहां पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स रेडी हो गए। आज के 132 डिस्ट्रीब्यूटर है पैन इंडिया, जिसमें 90 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 72 डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, यू ऑलरेडी हैव 21 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स इन बंगाल। देखिए एकदम अच्छा है द आइडिया, मैं इस इंडस्ट्री में उतरा तो यही सोच के कि मैं 3-व्हीलर 4-व्हीलर में डायरेक्टली जाऊंगा, बट 2 व्हीलर इज अ वेरी गुड मार्केट टू गेट इनटू। और ये मार्केट पहले हम अचीव कर ले, इसको सर्टन कर ले, उसके बाद वी गो इनटू द 3 व्हीलर एंड द 4 व्हीलर। बट यस, अगर मार्केट ने सराहा और पीपल रियली एंजॉय द प्रोडक्ट, एंजॉय द ब्रांड, दे लाइक इट, वी एंजॉय सेलिंग इट, then we'll surely go into the 3-wheelers, 4-wheelers. Having said that, I do plan. मैं plan जरूर करता हूँ by 2026 we get into 3-wheelers and 4-wheelers also. खूब भालो लगते हैं, माने जिधर showroom ना है उड़ाई टा बोले शे और इटा एक टा experience तो जिखाने शे मानो शे व्यापारे information के दे पर भी उन सब उसको का जेने बुझे तार पड़े एक टा scooter की दे पर भी जिधर होए माने आम्रा shop को ना एक टा बोलो किसी के नारा गया हमारे शेखर व्यापारे जानते चाहिए तो शे एक्सपीरियंस का लाइव ऐसे कोड़ा एवं तार पड़े किंतु पर है तो हमारे ये मतलब इनिशिएटिव टा खूबी बात लगी है। खूबी भालो लगे स्कूटी, माने जोखन देखी माने
টিভির পর্দায় বা সিনেমায় যে হিরোইনরা স্কুটি চালিয়ে এন্ট্রি নিচ্ছে নিচ্ছে, আমার খুবই ভালো লাগে। আমি সাউথের ছবিতে আমার ইন্ট্রোডাকশন শট ছিল স্কুটি চালিয়ে, তো যেহেতু আমি স্কুটি চালাতে পারি না আমার বডি ডাবল স্কুটি চালিয়েছিল, হেলমেটটা খোলা থেকে আমি ছিলাম। তো ডেফিনেটলি ইন ফিউচার আমি কখনো চালানো শিখতে চাই এবং ওই পুরো শটটা আমি নিতে চাই। ও বাইক চালিয়েছে, স্কুটিও চালিয়েছে, একটা ছবিতেই আমাদের স্কুটি চালিয়েছে। প্রথমবার আমি এরকম কোন শোরুমে ওপেনিং এ আমি এলাম, তো সেক্ষেত্রে ভালোই লাগছে। এবং সত্যি কথা বলতে যে এদের যে কালেকশন সেটা প্রচন্ড ভাইব্রেন্ট কালার্স, সেটা একটা তো চোখ তো মানে মানে আকর্ষণ করছেই আর কি পুরো বিষয়টা। এবং এই ইভি যেহেতু যে পলিউশনের দিকেও তাদের নজর আছে ইকো ফ্রেন্ডলি, সেই বিষয়টা আছে। প্রাইস রেঞ্জটা ঠিকঠাকই আমার মনে হলো, তো সেক্ষেত্রে 85 to 125 বোধ হয় ইফ আই এম নট রং। তো সেক্ষেত্রে আমার অ্যাকচুয়ালি ওর সঙ্গে আলোচনাই হচ্ছিলো যে আমার পরে কোনো ছবি বা কোনো সিরিজ যদি এরকম যদি স্কুটি থাকে তাহলে অবভিয়াসলি আমরা কথা বলবো ওদের সঙ্গে যে যদি ওখানে প্রমোট করা যায়। পাহাড়ে পাহাড়ে চালানোটা অতটা মানে আমি আমি সত্যি কথা বলতে অত ভালো চালাই না, আমার শুটিং এর জন্যই যেটুকু চালানো টু হুইলার সেটুকুই আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে আমার ছোটবেলা থেকেই খুব একটা মা সবসময় বলেছে যে টু হুইলারের বিষয়ে আমার ওটা পক্ষপাতিত্ব ছিল না, তো সেক্ষেত্রে কোনোদিন খুব একটা চালানো হয়ে ওঠেনি। অবভিয়াসলি বাইসাইকেল তো প্রচুর চালিয়েছি, তো সেক্ষেত্রে আমি চালাতে পারি, বাট মাঝে মাঝে খুবই ইচ্ছা হয়, কিন্তু আবার ওই আর কি কেনা হয়ে ওঠে না, যেহেতু ওই এখন তো মানে গাড়িতেই চলতে হয় যেটুকু কাজ করেছি, তো মানুষজন চিনতে পারবে বা স্কুটিতে বেরোলে একটু চাবি হবে সেক্ষেত্রে। বাট হ্যাঁ, অন আ সিরিয়াস নোট, আমরা যখন ছবিতে যখন চালাতে হয় তখন এইটা নিয়ে হাতে দেখা যেতেই।
जय जय जय।